महासमुंद पटवारी कार्यालय के सामने सतनामी समाज ने गिरोदपुरी में जैत खाम काटने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। बता दें कि गिरोदपुरी में जैत खाम तोड़ने पर कार्रवाई की मांग के अलावा सतनामी समाज की महिलाओं के ऊपर हुए प्रताड़ना पर पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर भी सतनामी समाज ने आक्रोश जताया है। वहीं समाज के लोगों से कहा कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में और बातचीत करेंगे। समय रहते पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने सतनामी समाज को न्याय नहीं दिया तो आगामी दिनों में समाज के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए कलेक्टर साहब से हम लोग सामाजिक मुद्दों को लेकर आए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था गिरोदपुरी धाम में जो अमर गुफा है वहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा 3 जैत खाम को काट कर फेंक दिए हैं, तो पूरा समाज आंदोलित है। उसके लिए हम लोग आए थे तो बोले कि हम इस मैटर को, चूँकि तुम्हारा राज्य स्तर का है तो हम इसको मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजेंगे। दूसरा मैटर है समाज के मुद्दे को जो लेके आए थे, जो बड़ी मुद्दा है हमारा, उसमें सबसे पहला मुद्दा है जो हिमसावग्रह महिलांगे जिसका जेल अभिरक्षक में मृत्यु हुई थी, उनका जो है जेल प्रशासन पर कार्यवाही नहीं हुई और उसका जो मुआवजा का मांग है 5 लाख आया है उस पर हम कलेक्टर साहब चर्चा किए, तो उसको मैं रिलीज करूंगा, ये उनका कहना है। दूसरा हमारा है आदित्य हॉस्पिटल, जो महिला खुरबाहरीन कुर्रे के साथ जो घटना हुई जिनका मृत्यु हो गई थी, उसमें हम कार्रवाई चाह रहे हैं हॉस्पिटल प्रशासन पर। और तीसरा हमारा मुद्दा है नीलम कुमारी, नीलम जिनका जहर खाकर मृत्यु है, उसमें एक व्यक्ति का नाम भी आया है राठौर करके, उसको हम गिरफ्तारी चाहते हैं उनका। हम नहीं, जिला प्रशासन के आश्वासन से हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, उसने कहा है कि इस मामले एसपी का है, तो एसपी से हम लोग निश्चित रूप से हम असंतुष्ट है समाज, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन उनको करना पड़ा। और इस मैटर को लेकर हम आईजी साहब के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, नहीं सुनते हैं तो हमारे लिए सारे रास्ता खुला और बड़ा आंदोलन होगा, महासमुंद प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा, उसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा।